Good morning to all of you. I welcome you all again to my channel Explore Education, and the topic which I am going to discuss today is micro planning in education. We are talking about educational planning. We have talked about educational planning, institutional planning, and now it is turn to discuss about micro planning in education. Okay, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. The lecture will be in bilingual mode. And do subscribe my channel. Micro planning. Micro means sukshm. Planning means niyojan. तो सूक्ष्म नियोजन की बात हो रही है, शैक्षिक नियोजन की बात हो गई, संस्थागत नियोजन की बात हो गई. सूक्ष्म नियोजन क्या है? Micro planning is suggested for the all-round socio-economic development of a graphically diverse country like India against the single national level sectoral planning. मतलब भारत जैसा जो भौगोलिक विविधता से परिपूर्ण देश है, उसमें ये बहुत मुश्किल है कि हम एक राष्ट्रीय स्तर की प्लानिंग करें और सभी जो उसके विविध डाइवर्स सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, सोशियो इकोनॉमिक रीजनल क्षेत्र हैं, इकोनॉमिक डिसबैलेंसेस हैं, वो उससे पूरे हो जाएंगे. बहुत मुश्किल है, इसलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि भारत जैसे देश में हमें माइक्रो प्लानिंग करनी चाहिए, यानी कि सूक्ष्म लेवल. यहाँ माइक्रो का मतलब लेवल से है, सूक्ष्म लेवल पर करेंगे. इट रिक्वायर्स द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी. ये क्या मांगता है? ये मांगता है, इसकी मांग है कि सहभागिता होनी चाहिए. किसकी सहभागिता होनी चाहिए? जो स्थानीय निकाय है. In the planning process, नियोजन की प्रक्रिया में उससे क्या होगा? And this involvement can be a key to success of the plan reforms at local level. जब local level पे planning करने में local level के जो community members हैं, जो stakeholders हैं हमारे educational institutions के, उनको अगर हम उसमें साथ में लेकर चलेंगे, तो ये सफलता की कुंजी बन सकता है. मतलब सफलता के होने, सफल हो इसकी संभावना ज्यादा है. The central argument of micro planning is that as resources for development are space bound, that planning must be within the spatial framework so that human, natural and all other resources may be utilized fully and benefits of development may be distributed evenly. इसका पीछे जो सूक्ष्म नियोजन है, इसके पीछे जो मूल तर्क है वो ये है कि चूंकि जो रिसोर्सेज हैं वो स्पेस बाउंड, मतलब कि इस जगह पे हैं, इसीलिए प्लानिंग भी जगह के हिसाब से हो, स्पेस के हिसाब से हो, जिससे कि हमारा जितना नेचुरल रिसोर्स, भाई हर जगह की लोकेलिटी अलग है, हर जगह का नेचुरल रिसोर्स अलग है, ह्यूमन रिसोर्स अलग है, लोकेलिटी अलग है, तो हमको उसको उसमें इन्वॉल्व करना है ताकि उसका फुल यूटिलाइजेशन हम कर सकें और जो उसका बेनिफिट हो वो इवेनली डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी कि समान रूप से लाभ सबको मिल सके. Then strategically, micro planning helps in fixing priorities for different regions depending upon their specific needs. तो जो विभिन्न क्षेत्र हैं और उनकी जो विशिष्ट आवश्यकताएं हैं, उसके हिसाब से हम प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं माइक्रो प्लानिंग में स्ट्रेटेजिकली, जबकि मैक्रो लेवल की प्लानिंग में हम ये छोटी छोटी चीजें नहीं देख सकते. फिर इसका बैकग्राउंड अगर हम जाने तो पहली जो दो पंचवर्षीय योजना भारत में बनी थी, उसमें माइक्रो प्लानिंग या रीजनल प्लानिंग या डेवलपमेंट के विषय में, रीजनल प्लानिंग और डेवलपमेंट के विषय में कोई बात नहीं की गई थी, कोई एफर्ट नहीं था. तीसरे में शुरुआत हुई और चौथे में जाके द फोर्थ फाइव ईयर प्लान नोटेड दैट सर्टेन रीजन्स इन द कंट्री आर एडवांसिंग एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स. उसने ये नोट किया, तब ये नोट किया गया कि कुछ हिस्से जो देश के हैं वो ज्यादा विकसित हो रहे हैं और कुछ जो है वो पिछड़े से और पिछड़े होते जा रहे हैं. इन ऑर्डर टू करेक्ट सम ऑफ दीज regional imbalances, इन क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए ये सोचा गया, the need for micro planning on the assumption that plans made at the national level and state levels can be brought to the people of more lower levels in a much more efficient manner. तो ये सोचा गया कि हम जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं उनको दूर करने के लिए सूक्ष्म स्तर पर नियोजन करेंगे, जिससे कि जो सूक्ष्म स्तर की जो इकाई है, जो लोअर लेवल है, वो बहुत और अच्छी तरीके से उसमें इन्वॉल्व हो और उसको उस तरीके का लाभ मिल सके. दी फोर्थ प्लान इनिशिएटेड, फोर्थ प्लान में शुरुआत की गई 1969 से 1974 तक है ये, कि प्लानिंग फ्रॉम द ग्रास रूट, मतलब ग्रास रूट लेवल से चलेंगे, निम्नतम इकाई से चले, अंडर द नेम ऑफ एरिया डेवलपमेंट, क्षेत्रीय विकास का नाम दिया गया इसको, टेकिंग ड्यू नोट ऑफ रीजनल रिसोर्सेज पोटेंशियलिटीज एंड लिमिटेशंस. मतलब क्षेत्रीय जो संसाधन है, जो क्षेत्रीय संभावनाएं हैं, जो क्षेत्रीय कमियां हैं, उनको ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय विकास की बात की गई, मतलब एरिया प्लानिंग या माइक्रो प्लानिंग के नाम पर. देन इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्या इसके उद्देश्य हैं, क्या क्या
क्या होगा अगर हम सूक्ष्म नियोजन करें तो, टू मोबिलाइज लोकल कम्युनिटी, हम लोकल कम्युनिटी को मोबिलाइज कर सकते हैं कि आप आइए सहयोग दीजिए, हमको इसका संसाधन दीजिए, अपना मैन पावर दीजिए, नेचुरल रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन करिए, देन टू प्रोवाइड अ सपोर्ट सिस्टम टू द स्कूल्स एंड टीचर्स सो दैट स्कूल्स बिकम मोर फंक्शनल, है ना। हर चीज सरकार ही नहीं कर सकती है, बल्कि हमको लोकल कम्युनिटी का भी सपोर्ट लेना चाहिए स्कूल टीचर के और फंक्शनल होने में। देन टू इंश्योर दैट ऑल इलिजिबल चिल्ड्रन फ्रॉम द लोकेलिटी अटेंड द स्कूल्स, है ना। जब लोकल लेवल इन्वॉल्व होगा तब वो देखेगा कि भाई RTI लग गया है, सॉरी राइट टू एजुकेशन RTE, सबको हमको शिक्षा देनी है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देनी है। तो सिर्फ एक बड़े स्तर पर प्लानिंग से काम ही चलेगा, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विलेज लेवल पे, कि कौन बच्चा है जो अभी भी स्कूल नहीं जा रहा है, कौन बच्चा है जो विद्यालयी व्यवस्था से वंचित है अभी, तो हमको लोकेलिटी का इन्वॉल्वमेंट करना ही है इसमें। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द माइक्रो प्लानिंग एक्सरसाइज इज नॉट ऑन इश्यूज पर्टेनिंग टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, बट ऑन इश्यूज पर्टेनिंग टू बेटर एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज व्हिच आर ऑलरेडी एलोकेटेड टू ए पर्टिकुलर लोकेलिटी एरिया और स्कूल। कह रहे हैं कि इसका मेन उद्देश्य ये नहीं है कि हमको किसको क्या रिसोर्स देना है, बल्कि इस पर है कि जो रिसोर्स ऑलरेडी दिया जा चुका है उसको हम कैसे बेहतर यूज कर सकते हैं। ओके, देन द एम इन माइक्रो प्लानिंग इज ऑन प्लानिंग फ्रॉम द लोएस्ट लेवल, यानी कि हमको निम्नतम इकाई से को ध्यान में रखकर योजना बनानी है, फ्रॉम द फंक्शनल कम्युनिटी अपवर्ड, जिससे हम अपवर्ड जाते रहेंगे, टू अ क्लियरली डिफाइंड रीजन टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द लोकल एरियाज एंड इंश्योरिंग the process of integration of the different areas with an objective to attain balanced regional development। मतलब निम्नतम इकाई से उच्चतम इकाई तक जब जाएंगे तब हम ये मान सकते हैं कि हमको एक समान क्षेत्रीय विकास या विस्तार देखने को मिलेगा। देन माइक्रो प्लानिंग इन एजुकेशन, लोग बात तो शिक्षा में कर रहे हैं सूक्ष्म नियोजन की, तो शिक्षा में सूक्ष्म नियोजन से क्या तात्पर्य है, इट सीक्स टू रीच द ऑब्जेक्टिव सेट एट नेशनल लेवल, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर जो शिक्षा के लिए नीतियां बनाई गई हैं वहां तक हमको पहुंचना है, लेकिन चूंकि मैक्रो लेवल से नहीं पहुंच पा रहे हैं, दिक्कत हो रही है, बहुत विविधताएं हैं, इसलिए हम सूक्ष्म नियोजन की बात करें, बाय एश्योरिंग ग्रेटर इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज, ताकि हम जो शैक्षिक सेवाएं देते हैं उनका विस्तार जो है वो समान हो, अ बेटर फिट बिटवीन दीज सर्विसेज एंड द नीड्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज, जो हम सर्व करने चाह रहे हैं और जो लोकल कम्युनिटी की नीड है उसके बीच में एक बैलेंस बन सके, एंड द मोर इफिशियंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, और जो भी रिसोर्सेज लोकेलिटी के पास अवेलेबल है उसका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। ये है सूक्ष्म नियोजन शिक्षा में। तो शिक्षा में अगर हम प्राइमरी एजुकेशन में देखें तो इनरोलमेंट, अटेंडेंस, रिटेंशन और अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ये बड़ा दिक्कत का विषय रहता है, क्योंकि अभी भी हम लोग पूर्णतया साक्षर नहीं हो पाए हैं, 100% लिटरेसी रेट अभी भी नहीं है हमारे देश में, यानी कि हर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। तो इनरोलमेंट, फिर स्कूल में एडमिशन हो गया तो अटेंडेंस, अटेंडेंस अगर लगने लगी तो रिटेंशन, मतलब पूरी पढ़ाई करे रहे वहां, स्कूल छोड़ देते हैं बच्चे, ड्रॉप आउट, एंड अचीवमेंट, कितनी अगर है भी तो कितनी उपलब्धि का स्तर है उनका, है ना। ये क्या करता है, बहुत वेरिएशन है इसमें फ्रॉम लोकेलिटी टू लोकेलिटी, एंड दीज आर ग्रेटली अफेक्टेड बाई लोकल सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। और ये जो हमने मान के चले इनरोलमेंट, अटेंडेंस, रिटेंशन और अचीवमेंट, ये बहुत कुछ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से गवर्न होता है, वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड अदर लोकल फैक्टर्स। इसलिए लोकेलिटी जब इन्वॉल्व होगी तो हम ये चीजें सुधार सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द बैरियर्स एंड कंस्ट्रेंट्स, क्या बाधाएं आ रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं ये सब हमको अचीव करने में। माइक्रो प्लान शुड बी प्रिपेयर्ड बाय द कम्युनिटी यूजिंग पार्टिसिपेटरी टेक्निक्स, तो हम कम्युनिटी को जब इन्वॉल्व करेंगे तो हम जो सूक्ष्म योजनाएं बनाएंगे वो हमको बेहतर लाभ दे पाएंगी। फिर पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन, इसको PLA कह रहे हैं, seeks to enable the local people to appraise, analyze and enhance their knowledge of life and condition, identify barriers, plan solutions, act to achieve their goals। मतलब कि जब ये कम्युनिटी आएगी हमारे योजना में, नियोजन में वो सहभागिता करेगी, तो वो बेहतर बता सकती है कि कौन सी वो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, सामाजिक आर्थिक दशाएं हैं, जो बच्चों को एडमिशन नहीं ले रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं तो छोड़ देते हैं तो पढ़ते भी हैं तो अच्छा नहीं पढ़ते हैं, तो हम बेहतर अपनी योजनाएं बना पाएंगे और बेहतर अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। और द लेसन्स फॉर नॉन एनरोलमेंट, नॉन अटेंडेंस, नॉन अचीवमेंट ऑफ मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग बाय स्टूडेंट एक्स्ट्रा कुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट लोकेलिटीज व्हिच शुड बी आइडेंटिफाइड बाय द लोकल पीपल, है ना। यही बात की जा रही है कि जरूरी नहीं है कि इस क्षेत्र में जो नॉन एनरोलमेंट के रीजन है वही दूसरे क्षेत्र में हो, वहां दूसरे होंगे, क्योंकि इतनी विविधताएं हैं, इसलिए हर जगह की योजना अलग बनेगी। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द बैरियर्स, द लोकल पीपल शुड बी इनेबल्ड टू प्लान लोकल स्ट्रेटजीज फॉर रिमूवल ऑफ दोज बैरियर्स, तो उस
बैरियर को रिमूव करने के लिए हम लोकल स्ट्रैटेजी बनाएंगे एंड द सॉल्यूशंस अगेन आर लोकेलिटी स्पेसिफिक, और जो उसका समाधान निकल के आएगा वो भी उस एरिया के लिए स्पेसिफिक होगा, मतलब वी कांट जनरलाइज. Then to achieve the goal of UEE, UEE क्या है? Universalization of elementary education, यानी कि हमको सभी को elementary education प्रदान करनी है. The National Policy on Education 1986 and its policy of action 1992 envisaged the formulation of village education committees for management of elementary education. अब तो आप सभी जान रहे हैं कि 2020 NPE आ गया है हमारा National Policy of Education, लेकिन चूंकि अभी उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है इसलिए हम अभी 1986-1992 के हिसाब से ही चल रहे हैं कि जब 1986 में आई और उसका प्लान ऑफ एक्शन 1992 में बना तो उसके बाद VECs बनाई गई, विलेज एजुकेशन कमिटीज. ये इसी को ध्यान में रखते बनाई गई कि माइक्रो प्लानिंग इन एजुकेशन करना है. एडवांसमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, कैसे प्राथमिक शिक्षा का विस्तार किया गया है माइक्रो प्लानिंग के द्वारा, ये देखिए. इट एम्फेसाइज्ड ऑन माइक्रो प्लानिंग एज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अ फैमिली वाइज एंड चाइल्ड वाइज प्लान ऑफ एक्टिविटी, यानी कि अब सिर्फ फैमिली वाइज हम एक्टिविटी बना रहे हैं, चाइल्ड वाइज बना रहे हैं, इतना सूक्ष्म नियोजन जिससे कि एवरी चाइल्ड रेगुलरली अटेंड स्कूल्स, कंटिन्यूज हिज और हर एजुकेशन एट द प्लेस सूटेबल टू हिम और हर एंड कंप्लीट एटलीस्ट 8 ईयर ऑफ स्कूलिंग, है ना, कह रहे हैं ना, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को देना है, यानी कि कम से कम 8 वर्ष की शिक्षा दीक्षा प्रत्येक बच्चे को मिल सके. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2005 में कहा था, इस लेवल का सूक्ष्म नियोजन, बालक इससे निम्नतम इकाई तो कोई हो नहीं सकती. देन द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द एक्टिविटीज एंड फैसिलिटेट, देखिए कहीं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, एंड में डबल एन आ गया, एंड फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ पावर एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ऑल द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द UEE प्रोग्राम एट द ग्रास रूट्स. मतलब जो संविधान का 73वां और 74वां संशोधन हुआ उसने कहा कि हमको डिसेंट्रलाइजेशन करना है, मतलब केंद्रीय नहीं रहना है कि सिर्फ एक आदमी के हाथ में सारी पावर है, बल्कि हम उसको विकेंद्रीकरण कर देंगे, एक्टिविटीज का भी पावर का ट्रांसफर करेंगे, पार्टिसिपेशन का डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे और बना क्या पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ग्रास रूट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे, फैमिली लेवल पे हम UEE को अचीव करने के काम करेंगे, है ना. देन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैव इमर्ज्ड एज इफेक्टिव टूल्स फॉर डिसेंट्रलाइजिंग स्कूल मैनेजमेंट एट द विलेज लेवल. तो जो ग्रामीण स्तर पे, ग्रामीण लेवल पे स्कूल मैनेजमेंट को सुधारने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ने बहुत काम किया है. देन सिंस द 8th प्लान पीरियड, 8वीं जब योजना बनी तो हमारा आ गया डीपीईपी. डीपीईपी क्या है? डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम. इसने क्या किया? प्लानिंग मैकेनिज्म हैज शिफ्टेड द प्लानिंग मैकेनिज्म फ्रॉम द स्टेट टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल. तो राज्य स्तर से अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ गया ये मैकेनिज्म, जिसमें कि लोक जुम्बिश और अभी आपको बताएंगे शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट, ये सब इन्होंने ब्लॉक लेवल कमेटी पे बहुत काम किया है. एट द विलेज लेवल, अ विलेज एजुकेशन कमेटी हैज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना. विलेज लेवल पे तो हमने आपको बता दिया कि विलेज एजुकेशन कमेटी VEC बना है. A brief account of these community based programs follows. Follows की spelling गलत हो गई, I'm so sorry, हाँ ये double L होना चाहिए था. तो क्या क्या काम हुआ है? Community mobilization and participation, हमको community को mobilize भी करना है और उसका participation भी seek करना है. At the grassroots, educational innovations are based on the strong foundation of community support and participation. When educational progress is discussed and analyzed at different levels with the project, people's acceptance and participation is used as an indicator. मतलब हम जब community को साथ में लेके चलेंगे, लोग उसमें सहभागिता करेंगे, लोग उसमें अपना स्वीकृति देंगे, तो वो एक सफलता का indicator होता है. तो कौन कौन से दो main project हैं इसके? शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट और लोक जुम्बिश. शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट क्या है? The SKP constituted VECs in 2000 villages. 2000 गांव में विलेज एजुकेशन कमिटीज बनाई गई, इन्होंने कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट किया, ये मोबिलाइज कर रहे हैं रिसोर्सेज को, मेंटेन कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, क्या स्कूल की बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का, स्कूल का कैलेंडर, बहुत कुछ, है ना. तो लोकल कम्युनिटी के संग और शिक्षा कर्मी के संग, शिक्षा कर्मी नाम आपने सुना होगा, इनको एजुकेशनल वर्कर्स कहा जाता है. देन लोक जुम्बिश प्रोजेक्ट. लोक जुम्बिश क्या है? दिस प्रोजेक्ट वर्क्स टू एम्पावर द लोकली इलेक्टेड पीपल, जो जनता के द्वारा चुने गए, स्थानीय जनता के द्वारा, और ये क्या करते हैं? स्पेशली द फीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि गांव के स्तर पे हम महिला हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, चुने जाते हैं, और वो क्या करते हैं? लोक जुम्बिश के लिए एक्टिव मेंबर की तरह काम करते हैं, वीमेन ग्रुप के लिए काम करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए काम करते हैं. द विलेज एजुकेशन कमिटीज आर केयरफुली फॉर्म्ड एंड आर ट्रेन्ड टू हैंडल द लोक जुम्बिश प्रोग्राम. तो VEC को इस तरह से बनाया जाता है कि वो लोक जुम्बिश प्रोग्राम को आगे चला सके. मतलब कहने का कि हम माइक्रो प्लानिंग को एजुकेशन में, हमने प्राइमरी एजुकेशन के यूईई के गोल को अचीव करने के लिए माइक्रो प्लानिंग ने बहुत काम किया और बहुत हद तक सक्सेसफुल भी रहे. तो हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं इसको कि माइक्रो प्लानिंग
As a developmental strategy got some importance out of a realization that general planning done at the national level does not automatically ensure its applicability at local levels. For each area has its own potentialities and needs. यानी कि अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर कोई योजना बना रहे हैं तो हम ये नहीं मान सकते कि मैं एक योजना बना दी राष्ट्रीय स्तर पर इतने बड़े देश के लिए इतनी विविधताओं से परिपूर्ण देश के लिए और वो सब कुछ हर स्तर पर वो उसी तरह से काम करना लगेगा बल्कि हमको न्यूनतम लेवल से चलना पड़ेगा ब्लॉक एकदम न्यूनतम इकाइयों को ध्यान में रखकर जो मेन योजना है उसके गोल को ध्यान में रखकर काम करना होगा तभी हम कुछ हासिल कर पाएंगे तो इसलिए माइक्रो प्लानिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है एजुकेशन में ओके तो आई हैव कवर्ड एजुकेशनल प्लानिंग इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग एंड माइक्रो प्लानिंग ओके सो थैंक यू ऑल डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू ओके डन